पंचायती ला स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पारश्यर। खबरों की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। 15 जनवरी का दिन समाजवादी पार्टी और आजम परिवार के लिए राहत लेकर आया। फरवरी 2020 से जेल में बंद आजम खान के बेटे और सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम रिहा हो गए हैं। उन्हें सभी 15 मुकदमों में जमानत मिल गई है। 23 महीने बाद उनकी रिहाई हुई है। बार सरकार में मंत्री रहा हो, नेता विपक्ष रहा हो, वो भैंस चोरी और मुर्गी चोरी के मुकदमों में जेल में बंद है। एक ऐसे मुकदमे में जेल में बंद है जिसमें 8 लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है, लेकिन आजम खान साहब 1.5 साल से उस मुकदमे में जेल में है। उम्मीद है न्यायालय इंसाफ करेगा। विधानसभा चुनाव में सपा की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी तो आप जेल के अंदर से जेल के अंदर बाहर के माहौल की सबसे ज़्यादा, जेल में जो भी कुछ बाहर होता है, क्योंकि जेल के लोग भी तो बाहर से ही अंदर आते हैं, और जब बेगुनाह लोग फर्जी मुकदमों में फंस कर आते थे और वहीं जेल में मिला करते थे, तो ये कहते थे कि बस 10 मार्च का इंतज़ार करो, फिर देखेंगे क्या। 200% बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं, अपनी दुआएं दी हैं, अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं कि खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने, बेरोजगारों की, नौजवानों की आवाज बने। चलिए, अच्छी बात है। बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, जनाधार के नेता हैं, जमीनी नेता हैं, उनके आने से फायदा होगा। और वो क्यों आए? क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत प्रताड़ित किया गया है, फर्जी मुकदमों में फंसा गया है, आरक्षण रद्द किया गया, और वो भर्तियों के लिए जब मांग करने गए और अपनी आरक्षण की मांग करने गए तो लाठी चार्ज हुआ, इसलिए आए हैं ये लोग। और अभी बहुत लोग आएंगे। और आज भी एक बेगुनाह इंसान को, जो 9 बार का विधायक, 2 बार का सांसद, 4 बार का मंत्री रहा है, न्यायालय जुल्म भी खत्म हो और जालिम भी इख्तदार। पापा आपके अभी तक नहीं छूटे, 89 मुकदमे दर्ज किए गए। थोड़ा पीछे, कोई ऐसी कोशिश नहीं है अब्दुल्ला भाई, सरकार उनके निकलने की, बस कुछ बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन कोई ऐसी कोशिश नहीं है। आज भी बहुत रुकावटें आई। चल भाई आगे, अब ये लोकतंत्र में बस यही होता है। तो देखिए, सहयोगी पंकज सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, 23 महीने बाद आज जेल से रिहाई मिली है, और रिहाई मिलने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो बेगुनाह है, उन्हें जबरन फंसाया गया है। जी बिल्कुल प्राची, एबीपी गंगा से खास बातचीत की है अब्दुल्ला आजम ने। जेल से छूटने के बाद सीधे वो पहुंचे हैं सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर। उससे पहले पुलिस प्रशासन ने मीडिया से मुखातिब होने न पाए, इसलिए तमाम इंतजाम किए, तमाम प्रयास किए, लेकिन वो गाड़ी में चलते हुए बात करते गए, और जो भी बातचीत हुई है वो अनूप गुप्ता के आवास पे की। उन्होंने ये आशंका जताई है कि जेल में आजम खान के साथ वो, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अपने बिताए गए कार्यकाल को भी बताया जेल के अंदर, जो उन्होंने यातनाएं सही, उनका कहना था कि कैसे उन्हें कोठरी में रखा गया हुआ है आजम खान को। इसके अलावा उन्होंने कहा जो मुकदमे उन पर लगाए गए थे वो अब वो बाहर आए हैं तो जवाब देंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उचित समय है ये, यानी अधिसूचना लागू होने के बाद अब वो जेल से बाहर आए हैं, जमानत उनकी पहले ही हो चुकी थी। और देरी का भी एक बड़ा कारण बताया कि पुलिस प्रशासन उन्हें समझाता रहा बहुत देर तक कि वो किसी भी कीमत पर बात ना कर पाए मीडिया से, और हालांकि बाहर समर्थकों से भी
पुलिस प्रशासन बिल्कुल देखिए बाहर निकले तो गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही साथ आजम खान की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए अब्दुल्ला आजम ने। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सभी 43 मामलों में रिहाई मिली है, जमानत मिली है अब्दुल्ला आजम। वहीं समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग का नोटिस आया है। कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर सपा को नोटिस मिला है। वर्चुअल रैली के नाम पर सार्वजनिक सभा करने का आरोप लगा है समाजवादी पार्टी पर। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं, जिस तरीके से भाजपा के बागियों को पार्टी में ज्वाइन कराने के समय शक्ति प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया था, कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था वो देखने को मिला था, जिससे कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी थी। उसके बाद अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ गौतमपल्ली थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है, गौतमपल्ली चौक इंचार्ज को भी निष्कासित कर दिया गया है और उसके बाद अब नोटिस समाजवादी पार्टी को दिया गया है। दरअसल वर्चुअल रैली करने के नाम पे भारी भीड़ जमा हुई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने किसी भी कार्यकर्ता को बुलाया नहीं था, ये सभी कार्यकर्ता अपने आप वहां पर पहुंचे थे। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। यूपी चुनाव के दो चरणों के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भाजपा ने 107 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 83 सिटिंग विधायकों में से 63 को टिकट मिला है तो 21 नए चेहरों को मौका दिया गया है। वहीं सीएम योगी पहली बार गोरखपुर शहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से ताल ठोकने जा रहे हैं। तो आज 107 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, जिसमें से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट मिला है जबकि 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा गया है। जो बड़े नाम जिनका ऐलान हुआ है वो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गोरखपुर शहर उनकी सीट होगी जहां से वो चुनावी ताल ठोकेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो 107 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है उसके बाद अब पार्टी कोई हार्ड स्टेप नहीं लेगी, यानी टिकट जो है वो नहीं कटेंगे सिटिंग विधायकों के, लेकिन पहली लिस्ट से ही ये साफ हो गया कि ये कैची आगे भी चल सकती है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। देखिए जो लिस्ट जारी की है उसका आप जातीय समीकरण भी समझ लीजिए। जाट 16, गुर्जर 7, लोधी प्रत्याशी 6 हैं, सैनी प्रत्याशी 5, शाक्य 2, कश्यप 1, खड़गवंशी 1, मौर्य 1, कुर्मी 1, कुशवाहा 1 और निषाद 1। ये है ओबीसी, यानी कुल ओबीसी 44 प्रत्याशी हैं और किस तरीके से जातीय बंटवारा हुआ है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब आइए एससी की बात कर लेते हैं। कुल 19 प्रत्याशी हैं एससी, जिनमें से 13 जाटव को टिकट मिला है, 2 वाल्मीकि प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है, बंजारा समाज से 1 प्रत्याशी को टिकट दिया गया है, धोबी समाज से 1, पासी से 1 और सोनकर समाज से भी 1 प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। एससी के बाद अब आइए बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग की भी। सामान्य वर्ग के कुल 43 प्रत्याशी चुने गए हैं, जिनमें से ठाकुर समाज से 18 प्रत्याशी हैं, ब्राह्मण समाज से 10 प्रत्याशी हैं, वैश्य समाज से 8 हैं, पंजाबी से 3 हैं, त्यागी समाज से 2 प्रत्याशी हैं और कायस्थ समाज से भी 2 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। तो देखिए तमाम जातियों को साधने की कोशिश बीजेपी ने की है, हालांकि एक भी अल्पसंख्यक नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में नजर नहीं आया है। उधर सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, संसदीय बोर्ड का आभार उन्होंने जताया है। पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने टिकट मिलने के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता
जनार्दन और कार्यकर्ताओं के सहयोग से अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी भी है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा और आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है वह सबके सामने है। सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। वहीं सीएम योगी के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया। एबीपी संवाददाता अजय दुबे से बातचीत के दौरान अखिलेश ने भाजपा पर सियासी प्रहार किए। मंत्री जी गोरखपुर से प्रतिक्रिया क्या दीजिएगा? कहां चर्चा मथुरा की हुई, अयोध्या की आई और अब आ गए गोरखपुर में, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है। पहले वो कह रहे थे यहाँ से लड़ेंगे, फिर वहाँ से लड़ेंगे, इस विधानसभा से लड़ेंगे, उस विधानसभा से लड़ेंगे, लेकिन जनता इन्हें पहुंचाती, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने घर पहुंचा दिया। अब गोरखपुर की जनता पूछेगी मेट्रो क्यों नहीं बनी, गोरखपुर की जनता पूछेगी ट्रैफिक जाम क्यों है, गोरखपुर की जनता पूछेगी जानवर क्यों घूम रहे हैं, गोरखपुर की जनता पूछेगी सीवर क्यों नहीं बन पाया, गोरखपुर की जनता पूछेगी कि हमें नाव पर चलना पड़ा और जो नाविक थे उनके साथ भी इन्होंने भेदभाव किया, जो नाव चलाने वाले समाज के लोग हैं उनके साथ भी धोखा दिया। याद है सबको कि यहीं वो नारा दे करके गए थे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। सर गोरखपुर आप गए थे कैंपेनिंग के टाइम पे, आप गोरखपुर से बाहर की दिशा की तरफ निकले थे, शहर का वो हिस्सा रुक गया, अब घेरिएगा क्या? क्योंकि जहां जहां जो जो मुद्दे लेकर आते हैं आप घेर लेते हैं, चाहे वर्चुअल कैंपेनिंग हो, लीडर्स के माध्यम से हो, उनकी सीट पर जाकर घेरिएगा। देखिए समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि हर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ जाएं लड़ें और यही स्वाभाविक है, डेमोक्रेसी में यही है, तो गोरखपुर जरूर जाएगी समाजवादी पार्टी। अच्छा ये मुझे बताइए सर, जाति की बात होती है, 80-20 की बात होती है, आपके जो कैंडिडेट जो उतारे हैं सर उसमें उन्होंने बोला कि जो ओपन सीट है वहाँ भी अपने जो पिछले कैंडिडेट से उनको उम्मीदवार बनाए। 80% समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ लोग हैं, 20% इनके खिलाफ हैं, 100% इनके खिलाफ हो गए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। क्या हुआ सर, वो क्यों पीछे हट गए? भारतीय जनता पार्टी को बधाई, जनता से पहले उन्होंने उन्हें घर भेज दिया। मुझे नहीं पता कि क्या समस्या आ गई, वो खुद जानते होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज बरेली कैंट से विधायक और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल का टिकट काटकर उनकी जगह संजीव अग्रवाल को कैंट से उम्मीदवार बनाया है। संजीव अग्रवाल का नाम कैंट से घोषित होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर बधाई देने वालों की भीड़ जुट गई। इस दौरान लोग ये भूल गए कि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते नजर आए। वहीं अमरोहा में भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र नागपाल ने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। देवेंद्र नागपाल को टिकट मिलते ही समर्थकों ने जुलूस निकाला। रोड शो में सैकड़ों समर्थकों का हुजूम निकला। ढोल नगाड़ों पर जमकर समर्थकों ने प्रत्याशी बनाने पर डांस किया। कार्यकर्ता जमकर जश्न मनाते रहे और गजरौला थाना पुलिस अनजान बनी रही। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसे तमाम जुलूस, तमाम रोड शो, तमाम ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है जहां पर भीड़ इकट्ठा हो, लेकिन नेता जी हैं कि वोट के आगे उन्हें शायद लोगों की जान नजर नहीं आती है, लोगों की जिंदगी के बारे में वो सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि एकमात्र उद्देश्य इस वक्त नेताजी का वोट पाना है, जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाना है, लेकिन भूल रहे हैं कि शायद यही पकड़, उनकी यही लालसा लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। भाजपा ने हरियाणा सीमा से सटी बेहद महत्वपूर्ण जिले शामली की कैराना विधानसभा सीट से भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में मृगांका सपा के नाहिद हसन से चुनाव हार गई थी।
टिकट फाइनल होने के बाद मृगांका सिंह से बात की हमारे संवाददाता पंकज प्रजापति। इस वक्त हमारे साथ कैराना से प्रत्याशी बीजेपी की मृगांका सिंह हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे किन जिम्मेदारियों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ेंगे कैराना से। मैम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा। धन्यवाद आपका भी। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ोगे? मुद्दा कैराना में निरंतर विकास का ही रहेगा और जो एक यहाँ पर विकास की धारा मेरे पिताजी के कार्यकाल में रही है उसको मैं आगे ले जाना चाहती हूँ और उनकी जनसेवा के कार्यों को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा दो बार कैराने से नाहिद हसन विधायक रह चुके हैं, उनको कैसे मात दे पाओगे, क्या रणनीति रहेगी आप? देखिए जो डबल इंजन की सरकार के कार्य रहे हैं हमारे कैराना में, मुझे पूरा विश्वास है कि जनता उनको सराहेगी और उनको विश्वास है कि ये योगी जी की सरकार दोबारा बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये कार्य और मजबूती से उनको जीवन में और सुगम बनाएंगे उनके जीवन को। पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा, शामली। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, सभी सियासी दलों ने सत्ता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और अब प्रत्याशियों का ऐलान भी, उसका भी सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच प्रदेश का मूड जानने के लिए बीपी गंगा सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया और जाना कि पिछले कुछ वक्त में सियासी हलचलों के बाद उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का मूड कितना बदला है। यूपी के चुनावी माहौल में किस तरफ है सियासी लहर, एबीपी गंगा सी वोटर ने सबसे बड़े साप्ताहिक सर्वे के जरिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। भाजपा के बागियों से अखिलेश को फायदा होगा या नहीं, ये सवाल जब सर्वे में लोगों से पूछा गया तो 36% लोगों ने कहा कि फायदा होगा, लेकिन 48% लोग इससे इनकार करते दिखे। हालांकि 16% लोग ऐसे थे जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सर्वे में अगला सवाल किया गया, क्या अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, जिसके जवाब में 53% लोगों ने कहा कि अखिलेश को जरूर चुनाव लड़ना चाहिए, हालांकि 29% लोगों ने मना कर दिया। तो वहीं 18% लोगों ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। इस सियासी हलचल के अलावा सर्वे में सरकार के कामकाज पर सवाल भी किया। जब लोगों से पूछा गया कि योगी सरकार का कामकाज कैसा है तो 44% लोग संतुष्ट नजर आए जिन्होंने अच्छा कहा, वहीं 20% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, 36% लोगों को कामकाज पसंद नहीं आया। सियासी दलों को पैमाना रखते हुए जब यूपी वालों से पूछा गया कि प्रदेश में कौन जीत रहा है तो भाजपा गठबंधन पर 39% ने भरोसा जताया, सपा गठबंधन पर 30%, बसपा पर 9%, कांग्रेस पर 6%, जबकि अन्य को 2% ने अपनी पसंद माना, 2% ने माना कि नतीजे त्रिशंकु आ सकते हैं। यूपी में अगर आज चुनाव होते हैं तो किसको सत्ता मिलेगी, कौन यूपी के लोगों के मन को भा रहा है, इसी माहौल को भापने के लिए एबीपी गंगा सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया, जिसमें सामने आया कि इस सियासी जंग में भाजपा को बढ़त तो है लेकिन सपा इस मुकाबले में कड़ी टक्कर दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।